राजधानी दिल्ली में भले ही कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आती दिखी हो, लेकिन संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर आम आदमी पार्टी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत ना तो दिल्ली में फिलहाल छठी से आठवीं तक स्कूल खोले जाएंगे और ना रामलीला का कोई आयोजन हो पाएगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से फिलहाल दोनों ही तरह की गतिविधियों की मंजूरी नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लेते हुए सोमवार को ऐलान किए हैं कि राजधानी में फिलहाल छठी से आठवीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे। डीडीएमए ने इस पर आदेश जारी कर ये बात स्पष्ट की है। इसके साथ ही रामलीला का भी आयोजन नहीं हो पाएगा। हाँ, सिर्फ प्रदर्शनी की छूट मिलने का ऐलान हुआ है। आपको बताएं, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो कि है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके एक आदेश में मंजूरी मिलने के बाद प्रदर्शनी व कार्यक्रमों के आयोजन में ढील दी गई है। फिलहाल कोरोना के दिशा निर्देशों के तहत इस पर प्रतिबंध लगा था। बताया गया है कि डीडीएमए द्वारा ढील देने पर तकरीबन 40,000 लोगों को रोजगार हासिल होगा। ये लोग लंबे समय से अनुमति का इंतजार कर रहे थे, अब जाकर इनकी मुराद पूरी हुई है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।